रफ्तार। सवाल यह है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया जाए। मैं तो बस अपनी कहानियों को एक आईना समझता हूं जिसमें समाज अपने आप को देख सके, देख सके। मंटो एक इंसान है। जात में ये बांटते हैं, बांट के ये काटते हैं, कटने वाले खाट पे हैं, इनकी मौज रात में है, लाल बत्ती वाली गाड़ी क्लास इनके हाथ में है, राजनीति में है चोर पुलिस इनके साथ में। मेरी बात तुमको सच नहीं लगती, सच्ची बात तुमको यार बच नहीं सकती। मुझसे ना समझ है दुगने मेरी एज के, एक पैर कब्र में ये भूखे हैं दहेज के। बेटियों को मारते, बेटियां ना पालते, बेटियों पे दूसरों की नजरें गंदी डालते। लड़कियां पटाके उनको बंदी बोलते हैं, और जो राजी ना हो उनको साले रंडी बोलते हैं। बाप रोज माँ पे ठोस हाथ जो उठाएगा, बेजुबान बोलने से पहले सीख जाएगा। मर्द तब बनेगा जब तू औरतें दबाएगा, सोच के रही तो जल्दी देश डूब जाएगा। मैं उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से नंगी है। उसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं है। मैं काली तख्ती पर सफेद चौक इस्तेमाल करता हूं ताकि काली तख्ती और नुमाया हो जाए। मंटो एक इंसान। मैंने घंटों पढ़ा है तुमको मंटो, तुम्हारे जैसा बनू करे मेरा मन तो। इन बंदों को सच नहीं दिखता, 70 साल आजादी के सच आज भी नहीं बिकता। अगर आप मेरी कहानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि इस जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है।